की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी से किया खुद को अलग, अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमराया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड की बढ़ोतरी की मांग को लेकर बुधवार से कार्य बहिष्कार कर अपने आप को ओपीडी सेवा से अलग कर लिया है, जिससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि बिहार में एमबीबीएस पास इंटर्न की स्टाइपेंड अभी मात्र 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है, जो प्रतिदिन का 500 रुपया होता है, जो एक राजमिस्त्री से भी कम है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक हम लोगों की मांग पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जूनियर डॉक्टर के कार्य बहिष्कार करने से दूर दराज से इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचे मरीज और परिजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो जाए तो कहां जाए। वहीं कुछ मरीज और उनके परिजन निराश होकर वापस अपने घर लौट रहे हैं, तथा कुछ मरीज अभी भी इलाज करने की आशा में बैठे हुए हैं। वहीं एमबीबीएस पास इंटर्न का कहना है कि सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों से स्टाइपेंड का पुनरीक्षण नहीं किया है, जबकि अंतिम बार 2017 में सरकार द्वारा यह संकल्प दिया गया था कि प्रत्येक 3 वर्ष में इसका पुनरीक्षण होगा, लेकिन सरकार अपने संकल्प से लगातार पीछे भाग रही है। अपनी मांग को लेकर हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन आश्वासन के अलावा हम लोगों को किसी प्रकार का लाभ आज तक नहीं मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और डॉक्टरों पर इसका लोड भी बढ़ रहा है, जिसे आप भली भांति समझते हैं। कई बार लगातार तो हम लोग 24-24 घंटे तक इमरजेंसी ड्यूटी करना पड़ता है, जिसके बदले सरकार सिर्फ हमें 500 देती है। यह राशि इतनी कम है कि हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने में भी ठीक नहीं लगता। हम लोगों की मांग के स्टाइपेंड की राशि बढ़ाकर कम से कम एक सम्मानजनक राशि 27,000 रुपए कर दी जाए। यह सूचित करना पड़ रहा है कि आज हम लोग ओपीडी बंद कर रहे हैं। आखिरकार डॉक्टर्स को ओपीडी बंद करने की मजबूरी आई क्यों, ये ध्यान देने की विषय है। इसके पहले हम सरकार को तमाम नोटिफिकेशन भेज चुके हैं, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को तमाम नोटिफिकेशन भेज चुके हैं, प्रधानाचार्य महोदय के थ्रू, इनफैक्ट कल हम लोग जाके हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट को भी अपना नोटिफिकेशन दिए कि कल से हम जा रहे हैं हड़ताल पे, ओपीडी बंद करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे, कॉलेज प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रहेंगे। इसलिए हमें आज मजबूर होकर के ओपीडी बंद करना पड़ रहा है। अब आपका सवाल है कि ओपीडी बंद क्यों करना पड़ रहा है। सिर्फ 15,000 रुपए पे देश के इंटर्न डॉक्टर, बिहार के इंटर्न डॉक्टर काम कर रहे हैं, इसमें हरेक तरह का काम है। इसके पहले जब कोविड के दौर में महामारी इतनी बड़ी फैली, सरकार को हमारी जरूरत पड़ी, हम सबसे आगे थे, हम कंधा में कंधा मिला के काम किए, लेकिन अभी उसका हमें कोई मेहनताना मिला है, ना हमारी स्टाइपेंड में वृद्धि की जा रही है। 2017 में सरकार के द्वारा एक संकल्प पत्र संलग्न किया गया था स्टाइपेंड के इंक्रीमेंट के साथ कि हर 3 साल पे स्टाइपेंड का यूजी मतलब कि इंटर्न के और पीजी के स्टाइपेंड का रिवीजन होगा। ये काम 2020 में होना था, पीजी के स्टाइपेंड का रिवीजन हो गया, लेकिन इंटर्न डॉक्टर के स्टाइपेंड का रिवीजन नहीं हुआ। कितना मेहनताना देते हैं, मात्र 15,000। सबसे कम वार्ड बॉय को कितना मिलता है, 25,000 रुपए। डॉक्टर को कितना मिल रहा है, मात्र 15,000 रुपए। मैं आपको बताऊंगा, बहुत शर्म की बात है कि एक बढ़िया स्टेथोस्कोप आप नहीं खरीद सकते 15,000 रुपए में, और हमें कितना मेहनत, 500 रुपए पर दिन के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। आप देख लीजिए, सब लोग आप लोग देख लीजिए कि ये 500 रुपए मेहनत आना एक मजदूर का भी नहीं है, आज उससे भी कम पे आज डॉक्टर से काम कराया जा रहा है। इसलिए हमें बाधित होकर के बार बार नोटिफिकेशन, हमारे पास पेपर्स है, हम मई में भी सांकेतिक हड़ताल किए, कोई ओपीडी बंद नहीं, कोई हम असुविधाओं को बंद नहीं किए थे, सांकेतिक हड़ताल किए, लेकिन इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, कॉलेज प्रशासन को फर्क नहीं पड़ता है, तो आज हमें मजबूर होकर के ओपीडी को बंद करना पड़ा है। और हम बहुत दुख के साथ कहना चाहते हैं कि अगर सरकार अब भी इस पे सुनवाई नहीं करेगी तो हमें आगे इससे और कठिन कदम उठाने पड़ेंगे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।